हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी फिलहाल मैं रूम पे हूँ और मेरे साथ मेरे भाई राहुल। हाय गाइस। सो अभी हम लोग रूम पे खाना पकाएंगे। और क्या करने वाले हैं राहुल? खाना वगैरह पकाएंगे, खाएंगे, वही है कि नहीं? चलिए, सो बने रहिए एंड तक ब्लॉग में। Let's see. हारा भाई सैम आज इतना ऐसा खाना पकाएगा कि सब लोग चाटते रह जाएंगे। So guys, अभी मैंने राइस धो लिया है, देखिए अभी बैठाएंगे। So कैमरामैन अभी राहुल को मैं बनाता हूँ। राहुल देखते जाइए, अभी भैया बनाने जा रहे हैं। मैं एक अच्छा शेफ हूँ, ठीक है भैया? एक अच्छा शेफ भी है, सुनिए थोड़ा। किसी का होटल वगैरह है तो मुझे बुला लीजिएगा। और सैलरी जस्ट 5000 होने से हो जाएगा। 5000 सैलरी में हो जाएगा ना? हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। ओके, तो हमारा कुकर भैया रेडी है, अभी निकालना पड़ेगा आलू ना? यस। ओके, मुझे बनाना आता है। हाँ आता है, बहुत टेस्टी बनाते हैं भैया अभी। लेकिन मालूम है, अब देखते जाइए। पहले ना मुझे कुछ नहीं आता था, चाय तक बनाना नहीं आता था। फिर ऐसे बाहर रहकर सीख गया। बाहर में कैसे सीखा? एक कहावत है ना कि इंसान के कंधे के ऊपर जब जिम्मेदारी आता है ना, तो वो इंसान जब फंसता है ना तो सीख लेता है। तुम जब अकेले कहीं पे रहोगे पढ़ाई लिखाई के लिए या काम के लिए ना, तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? उस टाइम पे तुम्हारा रोटी जल जाए चाहे चावल जल जाए, तो जब जलेगा तब तुम सीखोगे, नहीं जलेगा नहीं। मैं मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट टाइम पे मैं जब बनाया था ना तो मेरा चावल नीचे जल गया था और पूरा एकदम वो हो गया था गीला, और रोटी बना रहा था तो वो फूला ही नहीं, इतना टाइट हो रहा था। रोटी क्या खाओगे, दांत तो टूट जाएगा ऐसा लग रहा था। तो फिर बनाते बनाते वो क्या हो गया, अभी एक्सपर्ट हो गया, आइडिया हो गया। अभी भैया पूरा एक्सपर्ट है, शेफ बोल सकते हैं? उतना भी एक्सपर्ट नहीं है लेकिन है, थोड़ा बहुत बना लेते, काम चल जाता है लेकिन मुझे टेस्टी लगता है। अपने को सिर्फ खाना है। और उसके बाद थोड़े बाद में ये चना भिगा के रखा था कल, रात को भिगाए थे, इसको सुबह खाते हैं ना। अभी थोड़ी देर बाद में खाते हैं इसको मिक्स करके। देखते जाइए थोड़ा भाई, क्या करी बनाएंगे ना? थोड़ा भाई ग्रेवी होगा। ओके, अब क्या बोला था नाम? राइट थोड़ा भाई, थोड़ा भाई जगिंदर। ऐसे फतलून पहन के कौन वीडियो बनाता है? इसको छोड़ेंगे तो लोग हंसेंगे। नहीं कोई बात नहीं, हंसने दी, हम लोग का वीडियो बना रहे हैं। देखो हम लोग जैसे हैं वैसे जैसा, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि जैसा देश, हाँ देश में बहुत किस्म के लोग होते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग जो है जेनुइन वही हम लोग छोड़ देंगे, है कि नहीं? चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे को बुरा लगे, है कि नहीं? देखो दुनिया में बुरा मानने वाले भी इंसान है, अच्छे मानने वाले भी इंसान है। अकेला इंसान पूरा समाज को खुश नहीं कर सकता। गाइस वी आर फ्रॉम पुअर फैमिली। यस राइट। We'll be right back.
गैस पे बैठा दिए हैं अंडा और आलू उबालने के लिए। उबलेगा उसके बाद उतारेंगे, उसके बाद करी बनाएंगे। सो बने रहे एंड तक ब्लॉग में। ये हम गरीब लोगों का देखिए, छोटा सा एक आशियाना। गैस सिलेंडर देखे है, बहुत बड़ा सिलेंडर है, 50 kg का। 50 मतलब 0 हटा दीजिए। सो यही आशियाने पे रहते हैं। राहुल गया है नहाने के लिए, सो मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। आलू और अंडा जल्दी से जल्दी बॉयल हो जाए, उसके बाद बनाते हैं अंडा करी। उसके बाद रूम को अच्छी तरीके से झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, और उसके बाद नहाएंगे और खाना खाएंगे। धारा भाई सैम ने देखो सब्जी कैसे बनाया है। वाह क्या ही स्मेल है, वाह वाह बेटा, मौज कर दी, मौज कर दी बेटा। बेसिकली ये अंडा करी जैसे कि कांदे यानी प्याज से बनाया जाता है, तो मैंने इसमें आलू भी मिक्स कर दिया है। अभी थोड़ा फ्राई कर रहे हैं अच्छे से, उसके बाद डालेंगे अंडा और थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। भाई साहब मेरे को सब्जी बनाना आता है भाई साहब। बिना टेस्ट किए हुए मैं अपने आप का तारीफ कर रहा हूँ कि इतना अच्छा बना है, बाद में ये लोग खाकर बोलेगा साला सब्जी बनाया। सो गाइस सब्जी बन चुका है और राहुल ने भी झाड़ू लगा दिया है और अभी पोछा लगाएगा। उसके बाद अच्छा ये रात को जो भिगोए थे कच्चे चने को, नमक, इसको क्या सलाद बना रहे हो तुम? प्याज डाले हो और क्या मर्चा, नमक थोड़ा सा दो तो, नहीं तो देखता हूँ मेरा सब्जी हो गया है। ओ भाई साहब क्या ही सब्जी है, एटेश हम पोछा लगाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे ना, राइट ब्रोदा। राहुल रूम पे पोछा लगा रहा है, राहुल बहुत अच्छा काम करता है। राहुल तुम बहुत अच्छा काम करते हो। ओके सो मैं अभी नहा लेता हूँ और उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। सो गाइस नहा धोआ के तुम्हारा भाई एकदम टनाटन बन चुका है, देख रहे हो कितना चमक रहा है। नहीं सो अभी राहुल ने पापड़ भाजे है, दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा पापड़। ओके गाइस तो अभी हम लोग खाएंगे खाना। सो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। और तुमको कुछ बोलना है राहुल? कुछ तो नहीं बोलना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा सो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो कमेंट कर दीजिएगा, तब पता चलेगा कि वीडियो कैसा बन रहा है कि नहीं। हाँ चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर एंड गुड बाय। Let's go.